दोस्तों वैसे तो प्राइवेसी जो है हर कोई चाहता है कि उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, लेकिन प्राइवेसी आज की डेट में मेंटेन रखना, उसको प्राइवेसी को प्राइवेसी बनाए रखना है तो बहुत सारी मशक्कत जो है हमें खुद करनी पड़ेगी। सो आज के इस वीडियो में हम जो है इसी विषय में बात करने वाले हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। दोस्तों वैसे प्राइवेसी की अगर बात करें तो हर कोई चाहता है कि उसकी प्राइवेसी जो है मेंटेन रहे। कोई भी जो है वो किसी की प्राइवेसी को अगर थोड़ा सा भी अगर उसमें कुछ छेड़खानी करता है तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। सो दोस्तों इसी चीज में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर यूरोप में जो है एक काफी अच्छी चीज की गई है, वो ये की गई है कि वहां पे एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट करी गई है जिसका नाम है GDPR। GDPR की अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब फुल फॉर्म है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। सो दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स हैं, चाहे वो एप्स हैं चाहे वो वेबसाइट्स हैं, उन सभी को जो है अगर यूरोप के अंदर ऑपरेट करनी है अपनी सर्विसेज तो उनको इनकी गाइडलाइन के GDPR की गाइडलाइन के हिसाब से जो है वहां पे काम करना पड़ेगा। सो दोस्तों ऐसे में है जो भी इनकी वेबसाइट्स हैं चाहे वो एप्स हैं वहां पे GDPR का कहना है कि उनको जो है अपनी वेबसाइट या फिर ऐप के अंदर ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्रिस्टल क्लियर लिखना है कि अगर वो डिटेल जो यूजर की वहां पे ले रहे हैं तो उसका वो क्या करने वाले हैं, और अगर वो उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके स्टोर कर रहे हैं तो कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, और स्टोर करने के लिए भी जो है उसके क्या सिक्योरिटी उन्होंने पैरामीटर्स जो हैं वो डिफाइन किए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत क्रिस्टल क्लियर उनको मेंशन करनी पड़ेंगी अपनी वेबसाइट पे। और दूसरी चीज ये है कि जैसे आजकल की अपन वेबसाइट देख रहे हैं कि बहुत सारी वेबसाइट पे पहले से टिक लगे हुए मिल जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन आई एग्री पे, तो ऐसे में दोस्तों वहां पे उनका कहना है GDPR का कि अगर आपको यूरोप के अंदर जो है अगर आपको पूरी वेबसाइटें चलानी है तो आप जो है खुद ही टिक लगा के नहीं चला सकते। यानी कि फॉर्म के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आप यूजर से रिलेटेड कैप्चर करने वाले हो वहां पे आपको यूजर का एक्नॉलेजमेंट जो है लेना ही पड़ेगा, और आपको जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपकी, चाहे वो आप डेटा को कैप्चर कर रहे हो स्टोर कर रहे हो या जितने भी उसके कंडीशंस बनेगी वो वहां सब जगह पे आपको इंडिविजुअल जो है चेक बॉक्स देने रहेंगे जहां पे यूजर जो है खुद चेक लगाएगा कि उसको कौन सी चीज जो है क्या करने देना है और क्या करने नहीं देना है। सो दोस्तों ऐसे में यूरोप के अंदर तो पावर जो है पूरी सभी पब्लिक के पास आ गई है, तो वहां पे जो है वो पब्लिक खुद डिसाइड कर सकती है कि उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे यूज होनी चाहिए और कहाँ पे यूज नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अभी ऐसी कोई भी रूल रेगुलेशन जो है अवेलेबल नहीं है। सो ऐसे में जो है सभी वेबसाइटें जो है वो हमारा डेटा जो है वो लेती हैं, उसका क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही वो हमें नहीं पता होता है। जब भी हम कोई नया नंबर या फिर ईमेल आईडी बनाते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर वो ईमेल आईडी उस नंबर पे जो है बहुत सारे SMS आने लग जाते हैं, बहुत सारे ईमेल्स आने लग जाते हैं। इसका कारण यही है कि जहां जे पे भी हम जिस वेबसाइट्स वगैरह पे अपडेट करते हैं, इन्फो जाके विजिट करते हैं, साइन अप वगैरह करते हैं, वो वेबसाइटें क्या करती हैं हमारा जो लिया गया डेटा है उसको वापस रीसेल करके वहां से अपना कमाई करती हैं। सो दोस्तों ऐसे में जो है हमारे पास ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ट्रैक रखना कि जो कौन सी वेबसाइट पे और कौन सी वेबसाइट कहाँ पे हमारा जो डेटा किस हाथों में दे रही है तो ये हमें नहीं पता है। तो हो सकता है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है कुछ ऐसे गलत हाथों में चले जाए जिसकी वजह से जो है हमें बहुत सारी नुकसान उठाने को भी देखने हो मिल सकता है। सो दोस्तों ऐसे में अगर आप जो है प्राइवेसी अपना मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो कुछ जो स्टेप हैं आपको खुद को लेने पड़ेंगे, और उसमें टिप्स में जो है पहला टिप अगर मैं बोलूं तो वहां पे बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे SMS जो है यानी कि टेलीमार्केटिंग जो है वहां हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे लुभावने ऑफर्स जिनके चलते जो है हम वहां पे उन वेबसाइट पे उस लिंक पे क्लिक करते हैं और उन वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, और वहां पे जाके हमें जो है उस ऑफर्स के लिए अगर हमें उसमें एनरोल करना है उस ऑफर्स के लिए तो हमें जो है वहां पे साइन अप करना पड़ता है, हमारी पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे सबमिट करनी पड़ती है,
और ऐसे में जो है हम जो है उस ऑफर के लुभावने, ऑफर के चलते जो है हमारी इन्फॉर्मेशन दे के और वहां से एग्जिट हो जाते हैं, और फाइनली हमारे पास कुछ भी अपडेट नहीं आता है। उसका कारण ये है कि ये वेबसाइट जो है बहुत सारी ऐसी हैं जो कि इस तरह के लुभावने ऑफर जानबूझ के चलाती हैं, ताकि उनके पास जो है एक नया डेटाबेस बन सके और वहां से जो है हमारा डेटाबेस बना के उसको रीसेल करके जो है पैसे कमा सके। सो दोस्तों, ये तो हो गया पहला टिप कि हम जो है जिस भी वेबसाइट पे जाएं एनरोल करने के लिए लुभावने ऑफर से बचें, और जिस भी वेबसाइट पे एनरोल कर रहे हैं वहां पे जाके देखें कि वो वेबसाइट कितनी यूनिक है, यानी कि उसकी जो है अगर पहले से प्रेजेंस है तो आपको जो है गूगल के अंदर उसकी रैंकिंग मिलेगी, अलेक्सा रैंकिंग वगैरह मिलेगी, तो आप बहुत सारी चीजें जो हैं वो वहां से उस वेबसाइट के बारे में चेक कर सकते हैं, वो कब बनाई गई है, कब तक है, कितना ट्रैफिक है उस पे, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें जो है आप जो वहां पे चेक कर सकते हैं। और दूसरा अगर मैं बोलूंगा कि परमिशंस, यानी कि हम बहुत सारी अनऑथराइज और ऑथराइज ऐप जो है हमारे स्मार्टफोन्स वगैरह में इंस्टॉल कर लेते हैं, और ऐसे में होता क्या है कि वो बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं उनका काम कुछ और होता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम से, हमारे मोबाइल से कुछ और ही उठा रही होती हैं। सो दोस्तों, ऐसी चीज़ों के लिए जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग के अंदर जाके, परमिशंस में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऐप ऐसी है जो आपकी गलत परमिशन को लेके वहाँ पे बैठी हुई है और जो है वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही है। सो दोस्तों, अगर कोई भी आपको ऐसी एप्लीकेशन मिलती है जो कि उसका काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन्फॉर्मेशन हमारी वहाँ से उठा रही है, पिकअप कर रही है, तो दोस्तों ऐसी ऐप को जो है आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। और तीसरी अगर मैं बात करूं टिप्स की, तो अनऑथराइज सोर्स से ना तो कोई वेबसाइट को ओपन करें और ना ही जो है किसी अनऑथराइज सोर्स से जो है कोई मोबाइल ऐप को जो है डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करें। सो दोस्तों, ऐसे में तो क्या है कि अगर गूगल प्ले स्टोर से अगर जितनी भी आप ऐप इंस्टॉल करोगे वो तो सिर्फ आपके डेटा को ही वहां से अपडेट करती हैं, लेकिन अनऑथराइज की सोर्स से अगर आपने ऐप डाउनलोड करी है तो हो सकता है कि वहां से वो ऐप जो है आपके पूरे फोन को जो है हैक कर ले, और ऐसे में बहुत सारी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप कहीं पे भी बैठे, क्योंकि मोबाइल आज की डेट में ऐसी एक नीड हो चुकी है कि वो हम जो है मैक्सिमम टाइम जो है वो हमारा मोबाइल फोन हमारे पास होता है, हमारी जेब के अंदर होता है, हमारे हाथ में होता है, तो ऐसे में जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो हमारी फैमिली से प्राइवेट बातें कर रहे हों या फिर कहीं पे ऑफिशियल बातें कर रहे हो, तो ऐसे में जो है हो सकता है कि वो जो अनऑथराइज ऐप है वो बैकग्राउंड से जो है हमारा माइक को ऑन कर दे और पूरी हमारी इन्फॉर्म बात जो हो रही है वहां कन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड करके कहीं पे अपडेट कर दे। सो दोस्तों, ऐसे में जो है आपको परेशानी का सामना किया करना पड़ सकता है, और इससे भी खतरनाक अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है कि वो आपके फोन का जो कैमरा है उसको बैकग्राउंड में चालू कर दे। वैसे तो हमें फोन को जो है अगर यूज करेंगे तो हमें कुछ कोई पता नहीं चलेगा, कुछ भी अबनॉर्मल नहीं लगेगा, लेकिन वो मोबाइल फोन जो कैमरे जो है वो हमारी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और ऐसे में हमें बहुत बड़ी नुकसान भी हो सकता है, बहुत बड़ी मुसीबत में भी हम पड़ सकते हैं। हो सकता है कि हमारे कुछ प्राइवेट मूवमेंट्स जो हैं वो वहां पे कैप्चर हो जाएं और किसी गलत वेबसाइट्स वगैरह पे अपलोड हो जाएं और हमें जो है बहुत बड़ी कीमत उसकी चुकानी पड़ सकती है। सो दोस्तों, ऐसे में जो है बहुत सारे लोग हैं, वैसे तो इस तरह के जितने भी वीडियो देखते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमने जो है बहुत सारी अनऑथराइज सोर्स से जो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी हैं, आज तक हमारा कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन क्या आप अपनी प्रॉब्लम जब तक आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो तब तक क्या आप वेट करेंगे? नहीं। तो अगर आप नहीं करना चाहते वेट, तो अनऑथराइज अगर सोर्स से आपने ऐप डाल रखी है, इंस्टॉल कर रखी है, तो तुरंत उनको अनइंस्टॉल कर दें। और रही बात हमारे डेटा की, और डेटा की तो अगर बात करूं तो आप किसी भी पान के टपरे में भी जाके पूछ लोगे कि भैया मेरे को जो है आपके किसी भी सिटी का नाम ले दो और वहां का डेटाबेस चाहिए है, तो आपको जो है लाखों की मात्रा में जो है आपको वहां से कोई भी दुकानदार जो है आपको डेटा सेल कर देता है। तो वो आता कहाँ से है? वो यहीं से आता है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो डेटा हमसे, जो हमारे हैंडफोन है, जो हमारे हैंडसेट्स वगैरह हैं या वेबसाइट्स वगैरह हैं जहाँ पे हम साइन अप वगैरह करते हैं, वहां से पूरी इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे को दी जाती है, वो तीसरे को देता है, वो चौथे को देता है, यानी कि बार बार रीसेल कर करके जो है पैसा कमाया जाता है। तो हमारा
एक जगह ही नहीं, अगर एक जगह पे भी हमारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है तो न जाने कितने हाथों में वो चली जाती है, और यही वजह है कि हमें बहुत सारे अनवांटेड एसएमएस और ईमेल देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आपको जो है प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आप जो अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो में कुछ अपडेट मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कोर टेक्निकल वीडियोस हम लेके आते रहते हैं और आगे भी लेके आते ही रहेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।